जनपद हाथरस के सिकंदरा राव व कर्मयोग सेवा संस्थान के अध्यक्ष विवेक सिंह राघव ने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी विजय शर्मा को लिखित रूप में शिकायत देते हुए कहा कि कोटेदार कम राशन दे रहे हैं और 5 किलो के जगह 4 किलो ही राशन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पोरा, ग्राम छिरीपुर, ग्राम जाऊ में निःशुल्क चने वितरण नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द ही कोई कार्यवाही करे, नहीं तो मजबूरन हमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एवं आगामी 15 तारीख को तहसील पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी एकत्र हुए हैं लोग, मैं आपको बताऊं, मेरा नाम विवेक सिंह राघव है, मैं अध्यक्ष हूं कर्मयोग सेवा संघ का, और हम लोग काफ़ी लंबे समय से राशन डीलरों को विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और जो शिकायत करता है कार्रवाई उन्हीं के प्रति कर दी जाती है, जबकि राशन डीलरों द्वारा 5 किलो राशन के नाम पर 4 किलो दिया जा रहा है, 1 किलो चने के नाम पर 700 ग्राम 800 ग्राम चने दिए जा रहे हैं। इनसे संबंधित शिकायतें गंतरी साहपुर से, पूरा से, छीतीपुर से, यानी जो तहसील क्षेत्र है इसके दोनों ब्लॉकों से दर्जनों शिकायतें हमारे पास हैं, और हमारे पास इतने फैक्ट्स हैं, इतने तथ्य हैं हमारे पास कि उन तथ्यों के आधार पर जिले का पूर्ति निरीक्षक और यहाँ की जो पूर्ति निरीक्षक हैं सिकंदरा राव तहसील की, उन दोनों को सस्पेंड किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, इतने तथ्य हैं हमारे पास। प्रशासन उन तथ्यों की जाँच करे, और यदि हमारे तथ्य गलत पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, हमें जेल भेज दिया जाए। राशन डीलरों के खिलाफ जितनी भी शिकायतें होती हैं, अभी तक उन शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसमें किसी का यूनिट काट दिए जाते हैं, किसी का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है, उन्हें ही परेशान किया जा रहा है और उन्हीं का दमन किया जा रहा है। इसको लेकर के आज हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है कि यदि इन पर 15 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम 15 तारीख से यहाँ तहसील परिसर में धरना देंगे और कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार गरीबों के हित में तमाम योजनाएं ला रही है, और उसको ये पटल पर बैठे हुए गुंडे और भ्रष्ट जिनके पीछे नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सब मिली भगत से उनके राशन को खा रहे हैं। हम इस समस्या को लेकर के यहाँ तहसील पर आए हुए हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।